दोस्तों दुनिया में इतने सारे जानवर मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किस जानवर का खून सबसे ज्यादा महंगा है और खून क्यों महंगा है और इसके पीछे कारण क्या है। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि किस जानवर का दूध सबसे ज्यादा महंगा बिकता है और इसके पीछे कारण क्या है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपको पता ही होगा कोई भी चीज महंगी इसीलिए होती है क्योंकि वह हमें आसानी से नहीं मिलती, या तो उसे बनाने में काफी मेहनत लगती है या फिर उसे निकालने में काफी ज्यादा खर्च पड़ जाता है। और ऐसे भी चीजें हैं जो हमारे पृथ्वी पर काफी कम मात्रा में अवेलेबल होती है, जैसे आप हीरे को ही ले लीजिए। उसी तरह आप यह जान लीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस जानवर के दूध महंगे हैं। तो आपको बता दें कि शेरनी और गधी का दूध दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा माना जाता है। देखिए गधी का दूध 2000 से 7000 रुपए प्रति लीटर तक बिकता है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़े कारण यह है कि गधी बहुत ही कम मात्रा में दूध देती है और गधी के दूध में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एंजिन तत्व पाए जाते हैं। कई सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जिस वजह से यह हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे कैंसर, मोटापा, एलर्जी जैसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमें देती है और इसका यूज मेडिकल के साथ साथ ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शेरनी के दूध की जो हमें आसानी से नहीं मिलती। पूरे वर्ल्ड में लगभग 20,000 ही शेरों की संख्या बची हुई है और हमारे भारत में लगभग 600 के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हो कि शेरनी की दूध मिलना काफी मुश्किल क्यों है और महंगा क्यों है। साथ ही शेरनी की दूध को मेडिकल यूज में लाया जाता है और इससे दवाइयों को बनाया जाता है। तो दोस्तों अब आपको यह बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा खून किस जानवर का है। दोस्तों आप जो स्क्रीन पर यह जीव देख रहे हैं जिनका नाम है डॉर्सू, जो कि केकड़े के प्रजाति से है, इसी केकड़े के खून को दुनिया का सबसे महंगा खून कहा जाता है। इसका एक लीटर खून की कीमत लगभग 11 लाख रुपए के आसपास बढ़ती है। आमतौर पर आपने लाल कलर के खून देखे होंगे, बट इस केकड़े के खून का कलर नीला रंग का होता है। अब दोस्तों आप यह समझिए कि इस जानवर का खून इतना महंगा क्यों है। दरअसल यह एक खास तरह का केकड़ा है, इसकी प्रजाति बहुत ही कम पाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह हमारे पृथ्वी पर लगभग 45 करोड़ साल से है और ज्यादातर केकड़े अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर में रहते हैं। यह महाशय स्प्रिंग सीजन से मई जून महीने में ही दिखाई देते हैं और खास बात यह है कि जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती है, मतलब कि पूर्णिमा के वक्त हाई टाइड में यह दिखाई देते हैं और यह सतह पर आ जाते हैं। इसका खून इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 11 लाख रुपए के आसपास बेचा जाता है। इसे दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ भी कहते हैं। हॉर्सू केकड़े का खून निकालने के लिए बस इसके दिल में एक छेद कर दिया जाता है और फिर खून निकाला जाता है। एक केकड़े के शरीर से 30% खून निकाला जाता है, मतलब कि उसके शरीर में जितनी ज्यादा खून है उसमें से 30% खून को निकाल दिया जाता है और उसके बाद उस केकड़े को समुद्र में फिर छोड़ दिया जाता है। और वैज्ञानिकों के द्वारा जितनी भी केकड़े का खून निकाला जाता है, मान लीजिए 100 केकड़े का अगर खून निकाला गया तो उसमें से 10 से 30 मर जाते हैं। अब दोस्तों आप यह जानिए कि हॉर्सू केकड़े का यूज मेडिकल कामों में होता है। साइंटिस्टों के अनुसार इस केकड़े के नीले खून में तांबा पाया जाता है और खास तरह के रसायन होते हैं, यह काफी ज्यादा काम आता है। और इसके खून में जो ये रसायन पाए जाते हैं यह बैक्टीरिया के आसपास चारों ओर जाके जमा हो जाते हैं और इस वजह से बैक्टीरिया का पता लगाया जा सकता है इसके खून के माध्यम से, इसके खून में जो रसायन है उसके माध्यम से। इस केकड़े के खून कि इसी खास गुण के वजह से इसका खून काफी ज्यादा महंगा बिकता है और इसका खून मेडिकल यूज में काफी ज्यादा यूज होता है, इसी वजह से इस केकड़े का खून काफी ज्यादा महंगा है। तो दोस्तों आपको यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल और फंटास्टिक वीडियो लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।